जीडीपी वृद्धि के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रही, जो पहले अनुमानित 7% जीडीपी विकास दर से तेज है। लगभग सभी क्षेत्रों द्वारा जनवरी मार्च 2023 तिमाही में मजबूत प्रदर्शन से उत्साहित होकर भारत की जीडीपी वृद्धि ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। देश की अर्थव्यवस्था के लिए आशाजनक पथ के साथ 2022 से 2023 जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 से 2023 की जीडीपी वृद्धि के आंकड़े वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। समग्र आशावाद और सम्मोहक मैक्रो इकोनॉमिक संकेतों के साथ ये मजबूत प्रदर्शन हमारी अर्थव्यवस्था के आशाजनक पथ और हमारे लोगों की दृढ़ता का उदाहरण है। इससे पहले सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने 2022 से 2023 के लिए राष्ट्रीय आय का अपना अनंतिम अनुमान जारी किया। तिमाही जनवरी के लिए सकल घरेलू उत्पाद का तिमाही अनुमान मार्च 2022 से 2023 के साथ साथ पूरे वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए ग्रोथ अनुमान। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में संबंधित मंत्रालय ने राष्ट्रीय आय के लिए अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया था, जिसमें साल में 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत तिथि के अनुसार वर्ष 2022 से 2023 में स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद रुपए के स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है। वर्ष 2021 से 2022 के लिए जीडीपी के पहले संशोधित अनुमान के मुकाबले 160.6 लाख करोड़ रुपए 149.26 लाख करोड़। 2022 से 2023 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 2021 से 2022 के 9.1% की तुलना में अब 7.2% रहने का अनुमान है। इसी तरह वर्ष 2022 से 2023 में नॉमिनल जीडीपी या मौजूदा कीमतों पर जीडीपी रुपए के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। रुपए के मुकाबले 272.41 लाख करोड़, 2021 से 2022 में 234.71 लाख करोड़, 16.1% की वृद्धि दर दिखा रहा है। 2022 से 2023 में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद रुपए होने का अनुमान है। रुपए के मुकाबले 43.62 लाख करोड़, 2021 से 2022 में 41.12 लाख करोड़, 6.1% की वृद्धि दिखा रहा है। इसी तरह 2022 से 2023 की चौथी तिमाही में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी रुपए रहने का अनुमान है। रुपए के अनुमान 71.82 लाख करोड़, 2021 से 2022 में 65.5 लाख करोड़, 10.4% की वृद्धि दिखा रहा है।